तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मैं अपना वीडियो कहाँ पे शूट करता हूँ, यानी एजुकेशनल चैनल वाले इस वीडियो पे मैं मतलब कि इस वीडियो को मैं कहाँ शूट करता हूँ, कैसे मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाता हूँ। तो इस समय मैं हूँ घर पे और मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। सो दोस्तों, अब मिलते हैं स्कूल पर चलने के बाद। तो फाइनली गाइज, मैं पहुँच चुका हूँ स्कूल पर और आप देख सकते हैं मैं स्कूल पर पहुँच चुका हूँ। ये रूम नंबर फर्स्ट है, यानी स्कूल के स्टार्ट में सबसे पहला रूम है जहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, और इसके आगे वाले रूम में वाइट बोर्ड है, और उसके आगे वाले रूम में भी वाइट बोर्ड है जहाँ पे मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। यानी मैं थर्ड वाले रूम में करता हूँ, लेकिन अब सेकेंड वाले में कुछ दिन से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो बस अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये सेकेंड वाला रूम है, सेकेंड वाला। यहाँ पे मैं इधर हम लोग डेस्क लगाए कोने में, यहीं पे हम लोग आके पढ़ाई करते हैं। आज तो आए नहीं है लोग, वैसे जब मैं वीडियो बनाए देती तो मैं अकेले आता हूँ क्योंकि, लेकिन आप सोच सकते हैं कि वीडियो प्राइवेट यानी अकेले बनाना और उसको फिर पब्लिक करना कितना अजीब लगता होगा। मैं जब अकेले बोलता हूँ और उसके बाद से जब पब्लिक में जाती होगी, फिर भी कोई गड़बड़ी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये है थर्ड रूम जहाँ पे मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हवा चलने के कारण, हवा रिकॉर्ड होने के कारण, यानी कि खड़खड़ाहट के कारण, बस एक ही है कि यहाँ पे खिड़की और दरवाजे नहीं हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हवा चलती है तो ये हवा भी इसमें रिकॉर्ड होती है। और यहाँ देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फूल लगे हैं यहाँ पे हमारे स्कूल में। और वैसे मैंने अपनी लाइफ में दो ही स्कूल माने हैं, एक आर्यभट्ट को और एक ए वाला स्कूल। भले ये मेरा स्कूल ना हो, लेकिन सर ने मुझे परमिशन दे दिया कि आप यहाँ पे आके वीडियो बना सकते हैं, चाहे कोई रहे या ना रहे। और फिर भी ऑफ कोर्स मैं बनाता भी हूँ वीडियो, लेकिन आज 5 दिन हो गए, लेकिन मैं स्कूल पे डेली आता हूँ। भले ही वीडियो ना आती है, लेकिन मैं स्कूल पे डेली आता हूँ, यहीं पे अपनी पढ़ाई करता हूँ क्योंकि घर पे मुझे अगर जो रहेंगे और जो आप कितना भी घर पे पढ़ेंगे तो कोई ना कोई काम आ जाएगा। दोस्तों, अब हम आप लोगों को दिखाते हैं एक प्यारा सा फूल, वैसे सबके घर होगा ये फूल, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नाग फनी, इसको बोलते हैं कैक्टस। दोस्तों, मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ, मैं स्कूल का एक तरफ से प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मतलब ऑर्डर दे दिया गया, और यहाँ पे अगर जो वीडियो बनाने का ऑर्डर दे दिया गया तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं स्कूल को थोड़ा प्रचार करूं, यानी 50-60 भी लोग देखेंगे तो देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल ऑफिस है और इधर कटरैन है और इधर बच्चों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं जिस रूम में मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। दोस्तों, लगातार आ रहे कमेंट्स के कारण मुझे लगा कि नॉलेज और की वीडियो जो होती है वो पूरे लोग देखते नहीं, जिससे रिटेंशन घट जाती है, लेकिन शायद आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने रूम में जिसमें हम वीडियो शूट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा मेरा वाइट बोर्ड, मतलब मेरा नहीं, लेकिन फ़िलहाल जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा ही हुआ। और यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं काफ़ी अच्छे से, देखिए आप समर SW लिखा, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत मतलब कि जब छुट्टी हुई वैकेशंस की तब का लिखा हुआ है। और फिलहाल हमारे स्कूल के भी छुट्टी है क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, मुझे पता नहीं कब तक छुट्टी है, पता भी होगा जिसको जिसको पता है। अगर जो मेरे स्कूल के वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और रही बात मेरे इस छोटे से प्यारे से चैनल की, मेरे 166 सब्सक्राइबर्स हैं, यानी उतने ही बहुत हैं, काफ़ी हैं। इससे शूट करने से या बनाने से मुझे फ़ायदा तो नहीं हो रहा है कुछ, लेकिन ये फ़ायदा हो रहा है कि अगर जो मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ, अपने चीज़ों को बताता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो सकता है। और इन फ्यूचर में कोई मतलब इससे कोई काम तो मैं कर सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे पढ़ के बैठ जाते हैं, तो ऐसा बहुत लोग हैं। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को शूट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं सोचता हूँ यहीं पे एंड करूँ। अगर जो आप लोगों को मेरी वीडियो शूट करने वाली आइडिया पसंद आई, अगर जो आप भी वीडियो शूट करना चाहते हैं
अगर जो आप मेरे एरिया के हैं, अगर जो आप भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे आके वीडियो शूट कर सकते हैं। मेरे दोस्त हैं ऑफिशियली, मैं उनके लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं, क्योंकि जिसका घर दूर होगा, जो दूर का होगा, एक वीडियो को देख रहा होगा, वो कैसे आ सकता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा बैग, अब इसमें से हम अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को निकालेंगे, यानी कि सारे सामान को जो जो वीडियो शूट करने में लगती है। तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली एक माइक है मेरा, जो कि बहुत मेरे लिए लाभदायक है, क्योंकि इसे मैंने परचेज किया, तो इसके इसको परचेज करने के लिए मुझे बिल्कुल 150 रुपये लगे हैं। 150 कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मीडियम फैमिली से हम लोगों के लिए बहुत है। और यहाँ पर मतलब बहुत का मतलब कि मीडियम पैसे में मिल गया। और यहाँ पे है हमारा स्टैंड, इसको मैं ऐसे लगाता हूँ और इसको आगे से तब वीडियो शूट करता हूँ। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ और एक हाथ से मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो में दिक्कत हो रही है। सो दोस्तों ज़्यादा लॉन्ग ना हो वीडियो से, दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।